हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सना ब्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए क्योंकि थोड़ा सा सामान भी सेट कराना था और थोड़ा सा प्लम्बर का काम भी कराना था इनको। तो बस यहाँ पर देखिए, गीजर भी रखा हुआ है, इसको भी लगवाना है और पीछे जो पानी की मोटर लगती है वो भी लगवानी है। समरसिबल तो है बट जो मीठे पानी की मोटर होती है वो भी लगवानी थी। तो ये पीछे का रूम है जहाँ पर देखो इतना सारा सामान अभी ये पड़ा ही हुआ है ऐसे ही, और अभी बेडशीट भी नहीं बिछाई है, ऐसे ही सो रहे थे ये। और यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई है, मम्मी ये दिखा रही थी मुझे कि मोटर लग रही है यहाँ पे। तो ये दोनों भाई यहाँ पर ये मोटर वगैरह लगवा रहे थे और उसके बाद गीजर वाला भी आ गया तो यहाँ पे वो गीजर भी फिट करवा रहे थे, बट गीजर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसमें से लीकेज हो रही थी, तो बस वही देख रहे थे ये। तो बस गीजर वगैरह भी फिट हो जाएगा अब, और बाकी सारे काम भी हो गए हैं। थोड़ा बहुत सामान सेट करना है वो भी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे खाना पीना हो गया था हमारा और मम्मी जी खा रही थी यहाँ पे। तो बस मैं मम्मी जी को पानी देने के लिए आई थी और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर। खाना पीना हमारा नहीं हुआ है, बस मम्मी जी को खिला दिया है, हम वापस आके खाएंगे क्योंकि इनको जाना है बैंक ये गाड़ी के काम से। तो बस हम सब यहाँ पे, मुझे ये घर पे छोड़ देंगे और ये दोनों भाई चले जाएंगे बैंक के काम से। आज ये भूल गए थे, आज सैटरडे है और बैंक तो बंद हो जाता है। 1:30 बजे के करीब टाइम हो रहा था यहाँ पे, बट ये चले गए थे, ये भी भूल गए और मैं भी भूल गई थी। तो बस मुझे जाकर नहा कर और वापस आना है क्योंकि मैं कपड़े यहाँ पर लेकर नहीं आई थी। तो बस चलो चलते हैं घर पे, और काम भी करना है मुझे, वहाँ पे भी क्लीनिंग नहीं हुई है, बस फटाफट से आना जाना यही लगा सब लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई थी, मम्मी बाय बाय कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, घर पे आ गई हूँ, छत पे घूम रही हूँ क्योंकि हेयर वॉश किया था और ये थोड़ी देर में आने वाले थे तो मेरे बाल गीले ही रह जाते क्योंकि वहाँ फ्लैट में तो बिल्कुल भी धूप वगैरह तो खैर अंदर आती नहीं है और मौसम भी ऐसा ही हो रखा है बारिश जैसा। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर धूप थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत देर छत पर घूम लेती हूँ मैं। तो बस मैं इनका इंतज़ार कर रही थी दोनों भाइयों को, और ये फटाफट से आ गए थे क्योंकि बैंक बंद था तो बैंक का काम भी नहीं हुआ था। और न्यू किचन में बहुत अच्छा लगता है काम करने में। तो उसके बाद में शाम को हम आ गए थे यहाँ पे, मतलब 1-1.5 घंटे में ही 3 बजे की तरफ, और उसके बाद खाना खा के हम सब लेट गए। तो यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 7 बजे की तरफ टाइम हो रहा था और मम्मी यहाँ पर कुछ अपना किचन का देख रही थी और उसके बाद मैं इनको आवाज़ मार रही थी तो बस ये उठ ही गए थे। और सुनील जी यहाँ पे, देवर जी अभी सो ही रहे हैं। तो बस इसके बाद ये चले जाएंगे, यही ले आएंगे सब्ज़ी वगैरह, और सब्ज़ी वगैरह भी इन्होंने ही बनवा दी थी, किचन क्लीन कर दी थी बर्तन वगैरह। और उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। 10 बजे की तरफ मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि मम्मी आज थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि तुम लोग जा रहे हो, घर जा रहे हो, आते हो और घर चले जाते हो। तो बस मनाया करा, उसमें ही टाइम निकल गया और फिर फटाफट से मैंने कहा चलो रोटी बना लेते हैं। और मैं होती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है मम्मी यहाँ पे रोटी बनाए, चाहे मम्मी का घर हो चाहे मेरा घर हो, बात तो एक ही है ना, ये भी घर हमारा ही है और अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो बस मैं ही यहाँ पे रोटी बना रही थी, सब एक साथ ही खाएंगे, किसी को पहले बाद में नहीं डाली। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह हमारा हो गया था, उसके बाद ये सब बैठे थे, थोड़ी बहुत देर बातें की हमने, तो बस वही जाने के लिए बोल रहे थे तो मम्मी इधर उधर देख रही थी कि क्यों जाने के लिए बोल रहे हो। तो ये भी पूछ रहे थे कि क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया। बस फाइनली हम निकल गए हैं हमारे घर के लिए। यूँ करें भाभी को फिर हम घर नहीं हॉस्पिटल पहुंचेंगे। टाइम हो गया है, रात के 11 बज रहे हैं और जस्ट अभी आए हम, थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट हुए होंगे। बस कपड़े चेंज किए हैं, मुँह धोया है और ठंड इतनी हो रही है यहाँ पर बहुत तेज़, क्योंकि बारिश हुई थी यहाँ पर इस वजह से ठंड बढ़ गई है और काफ़ी तेज़ हो गई है सच में। और बस वहीं खाना खाकर आए थे हम, और आज मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि भेज दें। मम्मी गुस्सा हो गई इनसे, पहली बार ऐसे मैंने देखा गुस्सा हो गई कि मत जाओ मत जाओ, मैं नहीं खाना खाऊंगी तुम जाओगे। तो फिर इनका चलो बना तो लो फिर बाद में खाएँगे, फिर ऐसे करके बना लिया, फिर बाद में खिला दिया, फिर कह रहे अच्छा चलो जा रहे हैं, फिर समझाया कि पापा जल्दी आ जाएंगे इसलिए जा रहे हैं, वहीं सो जाएंगे आराम से। तो फिर फाइनली फिर हम आ गए, ऐसे करते करते 9 बजे के बोल रहे थे कि चलो बना लो फटाफट खाएंगे फिर चलेंगे, 10:45 हो गए। मम्मी पहली बार ऐसे गुस्सा होकर बैठ गई,
बस फिर वहीं पे अभी काम बाकी है, सारा सामान सेट नहीं हुआ है, बेड वगैरह सेट हो गए हैं, किचन सेट कर ली है, अलमीरा भी सेट सी हो गई है, थोड़ी बहुत पड़ी है इधर उधर फैली, और कितना भी सेट कर लो एकदम से तो सेट होने वाला है नहीं, तो बस वही है, लगे पड़े हैं धीरे धीरे। और गीजर में भी पता नहीं क्या हो गया, गीजर भी लीकेज हो रहा है, उसको भी दिखाया था, फिटिंग तो हो गई है बट अभी उसको देखना है, लीकेज हो रही है उसमें, थोड़ा 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 पानी आया जा रहा है, और बस ऐसे ही चल रहा था। कभी इधर व्लॉगिंग भी मेरी अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी शिफ्टिंग करी है, काम भी वहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कभी इधर कभी उधर यही चल रहा था, कभी यहाँ खाना खा रहे थे भागे भागे आ रहे थे। आज जाके मैंने कहीं, दिन में मैं थोड़ी देर रुकी थी यहाँ पे नहाने के लिए आई थी, तब मैंने थोड़ी बहुत यहाँ सफाई की है, अदरवाइज टाइम ही नहीं था, बस आ रहे थे सोने के लिए, और फिर रात में झाड़ू पोछा करना अच्छी बात नहीं होती है, मतलब जैसे आज आए हैं कभी 10 बजे आए हैं कभी 11 बजे आए हैं, तो फिर रात में तो हुई नहीं, और फिर सुबह सुबह बस चाय भी कई बार तो वहीं जाकर पिया, बट कल से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मतलब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर काम सेट हो गया है, सामान सेट हो गया है, तो बस फिटिंग वगैरह भी अब मोस्टली हो गई है, थोड़ा बहुत है जो धीरे धीरे होता रहेगा। और यहाँ का भी तो देखना है, यहाँ पे सब कुछ गंदा पड़ा है, गंदा इन द सेंस कि किचन भी अच्छे से, मतलब बस बनाया है जो बर्तन है वो क्लिक किए हैं, ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई हुई नहीं है, कपड़े मशीन भर के पड़े हैं, कल नहीं तो परसों तो धुलने ही हैं, तो ऐसे करते करते चल रहा है, बट बहुत अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है, मतलब मेरा नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्या कर सकते हैं, मतलब पहले ये डर रहता था अच्छा मम्मी पापा आया नीचे, ये कुछ भी कर देते तो मैं ऐसे ही बोल देती थी, मम्मी को बोल दूँगी पापा को बोल दूँगी नीचे हैं। अब देखते हैं, और मम्मी का भी मन है, मम्मी हम आज थोड़ी देर के लिए घूमने गए कि क्योंकि दिन में भी खाना खाया था वहीं पे खाया था, दिन में भी मैं सिर्फ नहाने के लिए आई थी फिर जाकर वहीं बनाया, और अभी भी 10:45 हो गए, 10:30 बजे की तरफ तो फटाफट से हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा ऐसे छोड़ के जाने अच्छी बात नहीं होती है, और झूठे बर्तन मम्मी साफ़ करेगी, और रात भी काफ़ी हो गई थी, ठंड भी पड़ रही है, मैंने कहा आप बैठ जाओ मुझे 10 मिनट लगेंगे बस, फटाफट से मैं धो दूँगी और फिर चली जाऊँगी, तो बस बर्तन वगैरह धो के किचन क्लीन करके वहाँ की, उनका अब आप आराम करो हम जा रहे हैं, तो ऐसे करके फिर और लेट हो गए, ऐसे ही चल रहा है। और व्लॉगिंग में क्यों नहीं कर पा रही थी, एक तो रीज़न यही था कि शिफ्टिंग चल रही थी, इधर उधर आ रहे थे जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा कब भाग रहे हैं इधर, आज मैं शांति से मतलब आराम से, एक होता ना भागा दौड़ी नहीं है फटाफट से नहा लो ये, वरना मैं 5 मिनट में फटाफट से नहाओ और चलो यही वाला सीन चल रहा था। तो मेरे यहाँ पे दिखेगी छोटी सी फुंसी हो गई, मेरे एलर्जी है, जब मेरी जुकाम हो जाती है अगर वो 10-15 दिन तक जुकाम चल गई तो मुझे फुंसी हो जाएगी, मतलब 10-15 दिन पार हुए और फुंसी हो जाएगी, तो यही वाला हिसाब है। ये देखो ये रजाई निकाली थी ड्राई क्लीन कराने के लिए, बट अभी वो कंबल है, मैं सोच रही हूँ अगले साल ही करा लूँगी, दिसंबर आ गया है, जनवरी फरवरी 2 महीने पढ़ने हैं, और अभी मुझे करना क्या है इसका, एक और कंबल एक्स्ट्रा रखा हुआ है अगर कोई आएगा तो, मैं सोच रही हूँ रख देती हूँ वापस, और हमारा कुछ पता भी नहीं है, हमारा शिफ्टिंग का क्या चल रहा है कुछ मिल ही नहीं रहा है अच्छा सा, मम्मी कह रही है यहीं पे, अच्छा हाँ आज हम घूमने के लिए गए, मतलब खाना खाया था तो पचा तो था नहीं खाना, तो हम 2-3 राउंड मार के आए मम्मी और मैं, मम्मी कह रही है चलो चलो बाहर घूम के आएंगे ऐसे, तो ये बोले तुम ही जाओ मैं नहीं जा रहा, तो बस मम्मी और मैं गए, तो हम मैं घूमने में लग रही और मम्मी ना फ्लैट देख रही कौन सा खा लिया, तो मम्मी वही कह दे एक इधर खा लिया, इसमें पूछेंगे, अब देखते हैं वहाँ पे कोई मिल जाएगा, सोसाइटी तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर कहीं और लेंगे, बट चेंज तो करना है। और एक और बात, जो मम्मी पापा ने खाली किया है नीचे वहाँ पे ना, कल या परसों किन्नर देखकर गए थे, और पता नहीं समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ना बचपन से थोड़ा सा एक होता है ना, पता नहीं क्या बोलूँ, नहीं बोलती मैं तो बस इसलिए मैंने कहा आप देख ही लो जल्दी से, अगर वो शिफ्ट हो गए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा वाली बात नहीं है, बचपन से मुझे ना थोड़ी सी झिझक टाइप की रही है, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है,
मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती, सीधी सी बात ये है। तो मैंने कहा अगर वो शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, डर लगता है, मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगी, देखते हैं। मेरी शक्ल भी बहुत अजीब हो गई है ना, यही सब है लाइफ में चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब क्या हो जाता है। बस मुझे सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ का लगा है कि मम्मी पापा यहाँ से गए, और सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ पे घर जो है, फ्लैट जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, मम्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मम्मी को ज़्यादा उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राउंड फ्लोर का है और वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी चीज़ ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मम्मी जो है वो मम्मी अच्छे से मतलब बोल नहीं पाती है, तो मम्मी के लिए बेस्ट पार्ट यही है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फालतू आदमियों का आना जाना ये होता है ना, डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर दिन में थोड़ी बहुत देर रहना भी पड़ा मम्मी को, जैसे मेरे देवर जी नहीं है या पापा नहीं है, तो मम्मी आराम से फिर रह सकती है। और अब तो थोड़ा बहुत और बोलने लग गई है मम्मी, क्योंकि गुस्से में होता है ना, बातें निकलने लगती है, गुस्सा करती है ना जब, साफ साफ बोलने लग जाती है। तो बस वही है। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और एक और चीज़ बोलनी थी, मेरे पास ना एक बैड कमेंट आया था, आया नहीं था, हाँ बैड कमेंट आया था मुझे, क्या पता नहीं क्या था, कि काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए जब आया था। तो ऐसा है कि बोलने वाले का तो मुंह पकड़ नहीं सकते, और जो कमेंट करेगा ना उसके हाथ भी नहीं पकड़ सकते, बट हाँ इस चीज़ में एक बेनिफिट ये है कि एक ही बार कर पाओगे, दोबारा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं। ब्लॉक करने का ऑप्शन है इसमें, मुंह ब्लॉक करने का तो नहीं है, बट हाँ कमेंट ब्लॉक करने का तो ज़रूर है। तो जो भी कमेंट करना ना, थोड़ा सा देख के करना, क्योंकि फालतू में ना सुनने की आदत नहीं है। जब मैं गलत नहीं बोलती हूँ ना किसी से, तो गलत सुनने की वो भी नहीं रखती हूँ। तो ज़बान संभाल के बोलना और हाथ संभाल के कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय।